फ्रेंड्स, तो आइए आज का हमारा न्यू टॉपिक है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड लेंस। ओके, और फर्स्ट क्वेश्चन है लेंस की फोकस दे किन कारणों पर निर्भर करती है। विथ केस एट डिपेंड ऑन फोकल लेंथ ऑफ लेंस, फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ओके, देखिए मान लीजिए ये हमारा लेंस है, ये वक्रता त्रिज्या पे निर्भर करती है। और देखिए ये लाइट पे भी निर्भर करती है। कैसे? लाइट किस कलर का हुआ ये निर्भर करती है, फोकस हो गया यहाँ पे, फिर मैं अब ये अपवर्तनांक पर डिपेंड करती है। ओके, देखिए पहला है फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज डिपेंड लेंस की अपवर्तनांक, इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। सेकंड है एडियस ऑफ कर्वेचर। लास्ट है कलर ऑफ प्रकाश का रंग। ओके, तो आइए मैं कहानी हूँ। सेकेंड क्वेश्चन है देखिए पहला, उसके बाद सेकेंड है यदि एक लेंस को पानी में डुबाया जाए तब उसके फोकल दूरी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। क्वेश्चन है इफ एक लेंस को पानी में प्लेस्ड एट वाटर, व्हाट इफेक्ट ये व्हाट इफेक्ट ऑफ फोकल लेंथ ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, देखिए यदि किसी लेंस को हवा से पानी में डुबाया जाए तब उसकी फोकल लेंथ चार गुनी हो जाती है। ओके, लिख सकते हैं FW/4FA। ओके, देखिए इसका जो लेंस क्षमता जो होगा, लेंस क्षमता पावर जो है यानी कि एक चौथाई हो जाता है। पावर लिख सकते हैं PA/4 पावर होता है इसका। फिर देखिए नेक्स्ट है तारे क्यों टिमटिमाते हैं, व्हाट इज स्टार ट्विंकल, व्हाट इज स्टार ट्विंकल। देखिए ये हमारा सरफेस है, अर्थ सरफेस, और ये हमारा वातावरण है एटमॉस्फेयर। देखिए ये हमारा स्टार है, यहाँ से लाइट आया तो रिफ्लेक्शन हुआ, ये हमारा स्टार है, वैक्यूम है, निर्वात है, वैक्यूम। रिफ्लेक्शन होने के बाद जो फिर से रिफ्लेक्शन होगा इसे हम कहते हैं, लाइट है यहाँ पे, इसे कहते हैं हम एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्योंकि वायुमंडलीय अपवर्तन। ओके, तो हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि तारा से आने वाला लाइट
लाइट वायुमंडल के अलग अलग स्तर से होकर गुजरती है। इसीलिए एटमॉस्फेरिक सीधे प्रकाश ही किया लाइट ऑफ ए प्रकाश की किया एटमॉस्फेरिक इफेक्शन के कारण इफेक्शन होता है इसीलिए जो है टिमटिमाने लगता है। ओके, आज हम लोग 3 क्वेश्चन ही पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।